प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में, क्योंकि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर हमारा एक ऐसा फेज होता है जिसमें हमें कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, क्या कुछ होता है, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं। फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग बिला। मैं पूजा, आपकी अपनी फ्रेंड, लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक, नया वीडियो, जिसमें हम रिव्यू करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का, न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री से। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में, क्योंकि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर हमारा एक ऐसा फेज होता है जिसमें हमें कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, क्या कुछ होता है, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं। लेकिन अगर आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं, देन आपको अच्छे मार्क्स लेने से, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर को क्रैक करने से कोई भी रोक नहीं सकता। एंड फ्रेंड्स, अगर आप इन सब का सॉल्यूशन भी चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर हमें 1000 प्लस लाइक एंड कमेंट्स आते हैं, देन हम जरूर ट्राई करेंगे आपका भी, आपके लिए इसका सॉल्यूशन भी, हम ये सॉल्यूशन का पीडीएफ भी अपलोड करेंगे बाय मेल, और वीडियो के थ्रू भी हम कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ये हमारा जो क्वेश्चन पेपर है एनुअल 2015 का है, एनुअल 2015, अगस्त 2015। एंड सेम जैसे कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में बात कर चुके, प्रीवियस वीडियो में बात कर सके हैं, जैसे कि हमारा जो भी 75 मार्क्स का पेपर होता है, एंड जो इसका टाइमिंग होता है हमारा 3 आवर्स का टाइमिंग होता है। नोट पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर एक पेपर में। मैं आपको बोलती हूँ कि नोट पढ़ना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ये गलती एक बार कर चुकी हूँ। तो एक बार अगर नोट नहीं पढ़ा और हमने गलती कर दी, फिर हम उसमें, हमारे पास इतना भी टाइम नहीं होता कि हम सोच सकें कि हम इसे ठीक कैसे कर सकते हैं या इसको कैसे सुधार सकते हैं अपनी गलती को, तो बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो जाती है और हमें बहुत सारी टेंशन्स को फेस करना पड़ता है। तो नोट हमें देखना है, अटेम्प्ट सेक्शन ए एंड बी इन सेपरेट आंसर शीट बुक, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या होता है, जो न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री होती है, इसमें हमें दो आंसर शीट्स मिलती हैं, दोनों के लिए सेपरेट शीट्स मिलती हैं, और दोनों को अलग अलग सीट में हमें अटेम्प्ट करना होता है। जैसे कि हमारी अनाटमेंट फिजियो का होता है, सेम इसमें भी ऐसा ही होता है। तो चलिए देखते हैं हम अपना आज का क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं न्यूट्रिशन से, इन्यूमरेट डिफरेंट फैट सोल्यूबल विटामिंस, डिस्क्राइब दी सोर्सेस डेली रिक्वायरमेंट्स एंड रोल ऑफ विटामिन सी इन आवर बॉडी, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा 15 मार्क्स का। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर टू, रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग हेल्थ। बहुत ईजी क्वेश्चन दिए गए हैं, रोल बताना हमें न्यूट्रिशन का हेल्थ को मेंटेन करने में। ये भी हमारा 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15, यानी कि इसमें और भी पार्ट हैं। क्वेश्चन बी भी है हमारा, फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के बारे में पूछा गया। टोटल हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है, एक 10 का है, एक 5 का है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, राइट शॉर्ट नोट एनी ऑफ 3, यानी कि हमें यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से हमें 3 पर शॉर्ट नोट देना है। क्वेश्चन ए है हमारा बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड डाइट बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन बी हमारा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। क्वेश्चन सी है हमारा बॉडी मास इंडेक्स BMI। क्वेश्चन डी है हमारा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, आपकी जो भी, अगर आपने न्यूट्रिशन एक बार भी पढ़ ली है तो भी आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो टेंशन फ्री होके अभी से पढ़ लीजिए एंड अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। ये भी क्वेश्चन हमारा 15 नंबर का है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने सेक्शन बी पर, यानी कि बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री से बहुत डर लगता है, बहुत अजीब लगती है, मुझे भी बहुत डर लगता था, लेकिन सच में बहुत इंटरेस्टिंग है और ईजी भी है, एक बार बस समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन 4 में देखते हैं हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन अलॉन्ग विद इट्स फंक्शंस। क्वेश्चन बी हमारा रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, ये हमारा 10 नंबर का, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। क्वेश्चन 5 है हमारा डिस्क्राइब ब्रीफली, डिस्कस ब्रीफली। क्वेश्चन ए कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटेशन। क्वेश्चन बी एंटी ऑक्सीडेंट्स। क्वेश्चन सी म्यूको पॉलीसेचराइड LDL कोलेस्ट्रॉल। फ्रेंड्स, ये था हमारा बायोकेमिस्ट्री। देन अगर आपको, सॉरी मैं एक क्वेश्चन बताना भूल गई कितने नंबर के हैं,
ये 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन हैं, 5-5 नंबर में आपको अटेम्प्ट करने हैं, टोटल 20 मार्क्स के। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बायोकेमिस्ट्री की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट है वो भी मैंने अपलोड कर दी है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहाँ से इसकी क्वेश्चन लिस्ट जरूर ले सकते हैं। अगर आप उनको भी पढ़ लेते हैं तो भी आप बायोकेमिस्ट्री को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी यूजफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप हमें सपोर्ट कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।